हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इतिहास के पहले अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पर चर्चा करेंगे। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़तालों की हम बात करेंगे। आपको यहाँ एक मानचित्र दिया गया है। मानचित्र एक पर नज़र डालिए और मानचित्र दो पर नज़र डालिए, दोनों में क्या फ़र्क आता है देखिए। मानचित्र एक और दो पर अगर हम नज़र डालेंगे तो पता चलता है कि मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। दूसरी बात करेंगे हम मानचित्र दो। यह मानचित्र एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर अलग अलग चित्र दिखाते हैं। कैसे, देखिए। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अगर हम देखेंगे तो अरबी में दिए गए हैं। उनमें से कुछ नाम जाने पहचाने भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम कनौज। मानचित्र दो में देखिए, मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का अध्ययन रखना जरूरी होता है। आप देखिए मानचित्र एक में क्या दिया गया है। अरब भूगोल अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया गया था। दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिखाई देता है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। और मानचित्र दो की अगर बात करेंगे, इसको फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में निर्माण किया था। पहले मानचित्र बनने के बाद लगभग 600 वर्ष बाद इसको बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी, काफ़ी परिवर्तन आ गए थे और यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगता है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर हमको आश्चर्य होता है। और ऐसे मानचित्रों का उपयोग उस जमाने में यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा सफल बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मानचित्रकार किसे कहेंगे? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाते हैं उसको हम मानचित्रकार कहेंगे। दूसरी बात करेंगे हम मानचित्र अंकन का विज्ञान। दूसरे युग तक ये मानचित्र अंकन का विज्ञान था। उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गए थे। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली की बात हम आगे के स्लाइड में करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं अभिलेखागार शब्द का मीनिंग क्या होता है। अभिलेखागार ऐसी एक जगह होती है जहाँ पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार उनके उनके राज्यों में होते हैं और वहाँ तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो आगे हमें भविष्य में पढ़ाई के लिए अहम साबित होते हैं। नई और पुरानी शब्दावली की हम बात करेंगे। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषा भी समय के साथ साथ बहुत बदली है।
उदाहरण के लिए हम देखेंगे मध्ययुग की जो फारसी भाषा है आधुनिक फारसी भाषा से बिल्कुल भिन्न नज़र आती है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं हिंदुस्तान, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय केवल पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसीलिए किया था कि भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचान जाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। किसी भी शब्द प्रयोग करने में इतिहास को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए हम लेते हैं विदेशी। विदेशी एक उस जमाने में ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता था, मान लीजिए आपके गांव के आसपास दूसरे कोई लोग रहते हैं, लेकिन अगर आपके गांव अगर आते हैं तो उस जमाने में आपके आसपास के गाँव के लोगों को ही विदेशी कहलाया जाता था। आगे की बात करेंगे हम, इतिहासकार उनके स्रोत क्या होते हैं। इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तो किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम देखेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, पिछले साल हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, याद है क्या? इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़े। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहास का जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापखाने तो नहीं थे, इसीलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल कर चलते थे।
कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद मतलब 1398 में लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की ही जानकारी नहीं मिलती। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों की हम बात करेंगे। सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया जाता था। आग्नेयास्त्रों मतलब बारूद वाले हथियार। इस महाद्वीप में एक नई तरह का खानपान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, और तमाम परिवर्तन भी आए, जैसे नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम ये हुआ कि यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल का रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता भी बढ़ती रही, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र होता है, मतलब राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जैसे समूहों ने भी उठाया है। पर्यावास में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसकी हम बात करते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से भी प्रभावित होने लगे। वे बड़े जटिल और समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम ये हुआ कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊँचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और हो सकता था। अपने सदस्यों का व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों के अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियों का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी।
क्षेत्र और साम्राज्य की हम बात करेंगे। इसके पहले हम बात करेंगे पर्यावास, एक शब्द गया है जब हम बात कर रहे थे। पर्यावास का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। पुराने और नए धर्म की हम बात करेंगे। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपरा में कई बड़े परिवर्तन आ गए। जैसे नंबर वन, दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा करना, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करना और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता, ये थी। अभी देखिए संस्कृत ग्रंथों के अभी जो ब्राह्मण समाजों का हम जिक्र किया है यहाँ, इसमें उनको समाज में बहुत ही महत्व दिया जाता था। इसका कारण था संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक का मतलब होता है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है। नए धर्मों का आगमन की हम बात करेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में दो पंथ थे, जिसमें मुसलमानों में कुछ शिया थे जो एक शिया और दूसरे सुन्नी। शिया मुस्लिम मतलब थे जो पैगम्बर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको सुन्नी बोलते थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम की विशेषताओं की बात करेंगे तो हम इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर हम विचार करेंगे। इतिहास का समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार मानते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करना पसंद करते हैं।
प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश होता है, जैसे जैसे मतलब शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। आप इस साल ऐसा इतिहास पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षत्रिय और साम्राज्य राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में हम पढ़ते रहेंगे।